श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 मार्च को तुमरुका जयंती का बहुत ही विशेष दिन है और इस पूरी वीडियो में तुमरुका जी के नाम से करने वाले हम लोग 5 उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जैसी आपकी ज़रूरत है कोई भी उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले उपाय की बात करेंगे जो कि आपके बच्चों के लिए होगा, आपकी फैमिली के लिए होगा। दूसरा उपाय की बात करेंगे अगर आपके घर में धन संपदा नहीं है तो क्या करोगे। तीसरा उपाय होगा कि अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार पड़ा है तो क्या करोगे। और चौथा, आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी है तो वो भी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत आसानी से और बहुत ही प्यार से समझ में आ पाएँ, ठीक है। चलो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं आपकी फैमिली के लिए या फिर आपके बच्चों के लिए जो बहुत चिड़चिड़ करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो, बच्चे हो, वाइफ हो, कोई भी इंसान हो, ठीक है। क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से एक लोटा जल, ठीक है। ये जल कहाँ का होगा, आपका अपने घर का, ठीक है। जल को लेंगे, साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लेना, ठीक है। बेलपत्र को इसी जल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। जल के अंदर बेलपत्र को डालेंगे और उसके बाद में क्या करना है, जो इंसान आपके घर में परेशान बहुत ज़्यादा रहता है उस इंसान का सिर्फ एक बार नाम और गोत्र बोलेंगे और जितने भी कमरे हों आपके घर में उन सभी कमरों में एक बार आपको घूम लेना है तुमरुका जी के नाम से। किसके नाम से घूमोगे, तुमरुका जी के नाम से एक बार घूम लेना। वॉशरूम में मत जाना, बाकी सभी कमरों में चले जाना और जाने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे अच्छी बात है इन सभी उपाय की कि सारे के सारे उपाय आप अपने घर पे कर सकते हैं, मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है और सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी करो, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और जो जल आपके पास में है, जो घर में घूम करके लाए हो तुमरुका जी के नाम से, वही जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के साथ तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। किसके नाम से, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित कर देना। यकीन मानिए जिस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके आपने अपने पूरे घर में तुमरुका जी के नाम से घूमा था उस जल को लेके, उस इंसान का जो गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा, चाहे आपके बच्चे का गुस्सा हो, आपकी वाइफ का गुस्सा हो, आपके हस्बैंड का हो, किसी का भी होगा ना, वो गुस्सा धीरे धीरे करके शांत ज़रूर होगा, ठीक है। इतनी ताकत होती है तुमरुका जी के नाम में। आगे बढ़ते हैं, अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ जो कि आपको करना होगा धन संपदा के लिए, यानी कि माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, पैसे में डूबे जा रहे हो, कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। अब धन संपदा का उपाय है तो आपको कमलगट्टा तो लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कितने कमलगट्टे लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कमलगट्टे लेने, इससे ज़्यादा मत लेना। कमलगट्टे को लेंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इसी जल के अंदर उस एक कमलगट्टे को डाल देना। अब जो बताऊंगा वो मेरी बात ध्यान सुनेंगे, तुमरुका जी का जब भी कोई उपाय किया करो हमेशा जल को लेकर के घर में घूमा ही जाता है, यही इनका नियम है, ठीक है। तो आपने क्या डाला, कमलगट्टा डाला और फिर उस कमलगट्टे को जल को लेकर के तुमरुका जी के नाम से पूरे घर में एक बार घूम लेंगे। फिर से वॉशरूम में मत जाना, बाकी सभी कमरों में जाएंगे और लेके पहुंच जाएंगे उस जल को महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, पूरा का पूरा जल कमलगट्टे के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और जैसे ही जल समर्पित करोगे भोले शंकर से, महादेव से यह प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि हमारे घर में धन संपदा को लेके कोई भी कमी ना हो, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहे और जो भी हमारे घर में तकलीफें हैं आप उन्हें दूर करें। जैसे ही जल चढ़ाओगे जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इस जल को यहाँ पर रोक लेना, ठीक है, जल को रोक लेना और जो कमलगट्टा चढ़ाओगे वो कमलगट्टा यहीं कहीं आकर के रुक जाएगा। उस कमलगट्टे को उठाएंगे और ये रुके हुए जल को उठा करके आप पहुंच जाएंगे फिर से अपने घर में और जिस जिस कमरों में आपने घूमा था अब वहां पर अपने घर के कमरों में कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, उपाय करने से पहले जब जल को लेकर के घूमोगे तो किसके नाम से, तुमरुका जी के नाम से, और वही जल आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा करके लाओगे और जल में जब उसका छिड़काव करोगे तो वहां पे आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छिड़काव कर देना सभी कमरों में, ठीक है। कर दिया,
करने के बाद में जो आपके पास में एक कमलगट्टा है, जहाँ पे भी आप अपने घर में रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो, उस स्थान पे उस एक कमलगट्टे को तुमरुका जी के नाम से रख देना। आपके घर में जो धन की समस्या होगी वो ख़त्म हो जाएगी, कर्ज अगर आपके घर में बढ़ते जा रहे होंगे तो वो कर्ज की समस्या आपकी ख़त्म ज़रूर होगी। ठीक है, करके देखिएगा, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आज के टाइम पे हर घर की प्रॉब्लम हो गई है, और वो है बीमारी को लेके। भैया हमारे सारे पैसे दवा में जा रहे हैं, भैया हमारे सारे पैसे डॉक्टर ले जा रहे हैं। एक ने तो मुझे कल मेरे इंस्टाग्राम, मैंने जब ओपन किया, मैं बहुत दिन हुआ नहीं खोला था, कल मैंने इंस्टाग्राम में मैसेज ओपन किया तो एक ने तो कहा कि भैया हमें खेत तक बेचने की ज़रूरत पड़ गई, इतनी बीमारी हमारे घर में बढ़ गई है। महादेव ऐसी स्थिति कभी किसी के साथ ना लाएँ, यही मेरी उनसे कामना है। ठीक है, देखो आपको बीमारी के लिए ख़त्म करने के लिए एक बेलपत्र लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मत लिया करो कोई भी चीज़, एक बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र के लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। अब देखो इस उपाय को करने का नियम चेंज, घूमना इस उपाय में भी है लेकिन नियम चेंज होता है। जल के अंदर आपको 2 से 4 बूंद गंगा जल डालोगे। क्या डालोगे? गंगा जल। गंगा जल नहीं है जो भी मेरे भाई बहन के पास में, किसी भी पवित्र नदी का जल हो घर में वो ले लेना। ठीक है, लेने के बाद में आपको क्या करना, बाद में ये जो स्क्रीन पे आपको हाथ दिख रहा है ये है राइट हैंड, यानी कि दाहिना हाथ। आपको भी अपने दाहिने हाथ पे, अपने राइट हैंड पे सबसे पहले एक बेलपत्र को रखना होगा। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब बेलपत्र को रखेंगे तो बेलपत्र की डंडी यहाँ पे होगी, एक जो बड़ी वाली पत्ती होती है वो आपकी बड़ी उंगली को टच करनी चाहिए, और जो छोटी वाली होती है वो एक अंगूठे को टच होनी चाहिए, और दूसरी पत्ती यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए। जैसे मैंने बना दिया इसी तरीके से आपके हाथ में बेलपत्र होगी। इसी बेलपत्र के ऊपर जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर रखेंगे। ठीक है, रख लिया। जल को रखने के बाद में ऐसे ही हाथ में लेकर के अपने पूरे घर में घूम लेना। जितने भी घर में हो, रूम हो, कमरे हो, किचन हो, बस वॉशरूम में नहीं जाना है, बाकी सभी कमरों में तुमरुका जी के नाम से घूम लेना। ठीक है, घूम लेना। घूमने के बाद में जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, आप उसकी मेडिसिन करा रहे हो, दवा करा रहे हो, उसके हाथों से एक बार उस कलश को टच करा देना, एक बार स्पर्श करा देना। ठीक है, टच कराने के बाद में, स्पर्श कराने के बाद में आपको क्या करना होगा, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, और पूरा का पूरा जल समर्पित करोगे। लेकिन जल को समर्पित करने से पहले बेलपत्र समर्पित करनी है, तो जो जल को पकड़ोगे अपने लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में, बेलपत्र को दाहिने हाथ से समर्पित कर देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और उसी बेलपत्र के ऊपर एक लोटा जल जो आप घर से लेके आए हो वो तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जल जो होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद में जल को लेके अपने घर जाएंगे, जिस बीमार इंसान से आपने उस कलश को टच कराया था, स्पर्श कराया था, उसी इंसान को आपको उस जल को थोड़ा सा आचमन करा देना है, हल्का सा पिला देना। जो भी इंसान इस तरीके से उपाय को कर लेता है, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से या फिर तुमरुका जी के नाम से, उसकी बरसों पुरानी जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी संकट होते हैं, वो सारे के सारे दूर ज़रूर होते हैं। ठीक है, तीन उपाय की हमने बात की, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही छोटे से थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे प्यारे, सबसे अच्छे उपाय की, जो कि होगी आपकी मनोकामना के लिए, आपके विशेष के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो, इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, और वो है वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। बेलपत्र को लेने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे, जल के अंदर ना ही बेलपत्र डालेंगे ना ही कोई भी जल डालेंगे, सिर्फ सादा जल होगा तांबे के लोटे में, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब इस उपाय में जल चढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो महादेव दो लोगों को बहुत मानते हैं, सबसे पहले नंबर पर नंबर आता है माता अशोक सुंदरी का, और दूसरे नंबर आता है माँ पार्वती का, जिसे हम लोग हस्त कमल बोलते हैं शिवलिंग के ऊपर। आपको क्या करना है, पूरे शिवलिंग पे कहीं भी जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन ये जो जल का कटी भाग आपको दिख रहा है, शिवलिंग का कटी भाग, जलाधारी जिसको आप बोलते हो, एकदम गोल गोल कटी भाग पे, हस्त कमल पे आपको जल को चढ़ाते जाना है,
तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाना है या फिर तुम्रुका जी का ध्यान करते जाना है, कहीं और जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ यहीं पे हस्त कमल पर आपको गोल गोल जल को चढ़ाना है। ठीक है, जल जब पूरा का पूरा जल खत्म हो जाए तो आपको अपनी मनोकामना कहते हुए जो एक बेलपत्र आपके पास में है, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए टच कराएंगे, रखना नहीं है, सिर्फ टच कराना, और फिर यहीं से बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, दंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन आपकी तरफ। अपनी मनोकामना अपने विशेष को कहते हुए समर्पित कर देना, जिस कामना से इस उपाय को करोगे वो विश आपकी पूरी जरूर होगी। कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को तुमरुका जी के यहाँ पे चार उपाय समझाए हैं, जो उपाय आपको फैमिली के अकॉर्डिंग अच्छे लगें, आपके अपने लिए अच्छे हों, उनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पर बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे जिसने अभी तक नहीं किया। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।